गुड मॉर्निंग, वापस से एक नए ब्लॉग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं जा रहा हूं एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए, मुखीगुड़ा इंद्रावती हाइड्रो प्रोजेक्ट। चलिए मेरे साथ आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं एक नहर के सामने हूँ। इस नहर का पानी से कलाहने का 88,000 हेक्टर को इरिगेट हो रहा है, इसलिए इस नहर को कलाहने का लाइफलाइन माना जाता है। और ये नहर का पानी उस इंद्रावती प्रोजेक्ट से निकल के आ रहा है। चलिए मैं आगे आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। वेलकम टू इंद्रावती पावर हाउस। ये देखिए पावर हाउस का खूबसूरत व्यू। और ये नहर जो इससे पहले मैंने आपको आगे दिखाया था, यहीं से आगे खेतों में जा रहा है। और आसपास का थोड़ा व्यू देखिए। चलिए ये पावर हाउस का हम आपको टॉप में लेके चलते हैं।
जब भी आप लोग प्लान बना रहे हैं मुखीगुड़ा प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो इन बेजुबानों के लिए कुछ ना कुछ लेके आइएगा, क्योंकि हमेशा आप लोग का इंतज़ार में ये लोग रहते हैं। उससे व्यू कितना औसम दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं। और नीचे जो है उसे पावर हाउस कहते हैं। और ये टोटल 4 यूनिट है और एक एक यूनिट में टोटल 150 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है और टोटल 600 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है यहीं से। और नीचे टर्बाइन लगा है और यहाँ से पानी निकल के आगे जा रहा है। चलिए इसका टॉप में जाते हैं, वाटर रिजर्वर आप लोग को दिखाने वाले हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम प्रोजेक्ट के टॉप में आ चुके हैं और ये आसपास का आप लोग थोड़ा व्यू देख लीजिए, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये व्यू ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग नैनीताल में घूमने आए हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं, यहाँ से मोहलपाटना वाटर रिजर्वर 2 किलोमीटर है। और इधर देखिए, यहाँ से इस प्रोजेक्ट का टॉप में ऑलरेडी हम आ चुके हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा कुआँ है, वाटर रिजर्वर से इस कुआं को एक बड़ा सा टनल में कनेक्ट किया गया है। यहाँ से पानी को अंदर में छोड़ा जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं 1978 में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम में इतना बड़ा एक टनल, 4-5 किलोमीटर का एक टनल बनाया गया है, वहीं से अंदर ही अंदर पानी को छोड़ा जा रहा है। चलिए मैं आपको उस वाटर रिजर्वर दिखाने से पहले मैं आपको इसका यहाँ का एक बड़ा सा कुआँ दिखाने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए बड़ा सा कुआं जो वाटर रिजर्वर से कनेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट का सबसे टॉप में हम लोग आ चुके हैं, यहीं से ही सारा ऑपरेट होता है और नीचे पानी जा रहा है। चलिए यहाँ से आपको हम लोग वाटर रिजर्वर मोहलपाटना दिखाएंगे। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
देखिए मेरा भाई प्यास के मारे इस पानी को फिल्टर करके पी रहा है। अब क्या किया जाए, साथ में तो पानी नहीं लाए हैं उसकी वजह से। अब सामने जो एक मशीन देख रहे हैं, ये इस डैम से मिट्टी निकालने का काम कर रहा है, क्योंकि 4-5 साल पहले इस डैम में ज़्यादा मिट्टी की वजह से इसका वाटर रिजर्वर कैपेसिटी कम हो रहा था। इसकी वजह से ये सामने मशीन लगाया गया है। इस मशीन के जरिए आगे एक पाइप के जरिए मिट्टी को निकालने का काम चल रहा है। और सामने देख सकते हैं, ये देखिए ये मेन गेट के जरिए से आगे प्रोजेक्ट में पानी जा रहा है।